स्वागत है आप सभी का चंदन एकेडमी में। आज हम बताने वाले हैं घरेलू वस्तुओं के इंग्लिश में नाम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घरेलू वस्तुएं कौन कौन से हैं जिसको हम आप इंग्लिश में जानेंगे, उन सभी वस्तुओं के नाम को जो कि शायद आपको पता ना होगा। घरेलू वस्तुएं को इंग्लिश का नाम होता है डोमेस्टिक आर्टिकल्स, ठीक है। अलमीरा, अलमीरा का मतलब होता है अलमारी। अब बात करते हैं दिया की। दिया जिसको कि हिंदी में दीपक भी बोलते हैं, जो कि दिवाली के दिन जलाया जाता है, उसका इंग्लिश में नाम होता है अर्थेन लैम्प। क्या नाम होता है दोस्तों? अर्थेन लैम्प, अर्थेन लैम्प से होता है दिया। अब बात करते हैं शीशा। शीशा बोलते हैं आईना को, इसका कि इंग्लिश में नाम होता है मिरर। मिरर का मतलब होता है शीशा। अब बात करते हैं देगची। देगची जिसमें चावल को बॉयल करते हैं उसका बोलते हैं देगची। उसका इंग्लिश में नाम है सॉस पैन। सॉस पैन से होता है देगची। फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। दूसरा है ट्विग ब्रश। ट्विग ब्रश का मतलब होता है दातुन, जो हम लोग किसी पेड़ किसी डेंटल से जो दांत साफ करते हैं उसी को बोलते हैं दातुन, जिसका इंग्लिश में नाम होता है ट्विग ब्रश। कैनिस्टर, कैनिस्टर मतलब होता है कैनिस्टर। टैप, टैप मतलब होता है नल। हैंडपम्प, हैंडपम्प मतलब होता है हाथ वाला नल, जिसको तो हम लोग बोलते हैं चापाकल। बुक मीन्स किताब, नोटबुक मीन्स कॉपी, क्रीम मीन्स क्रीम, बाउल मीन्स प्याला भी होता है और कटोरी भी होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे कटोरी का इंग्लिश क्या होता है? बाउल, BOWL। मंजन, मंजन का इंग्लिश होता है टूथपेस्ट। टूथब्रश का मतलब होता है दांत साफ करने वाला ब्रश, ठीक है। ये शायद आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं थाली की। थाली का इंग्लिश होता है प्लेट। क्या बोलेंगे इसको? प्लेट, प्लेटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, प्लेट बोलेंगे। आर यहाँ पे साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे थाली का इंग्लिश प्लेट होता है। स्पेलिंग क्या है? PLATER, प्लेटर। नेक्स्ट है कप। कप मीन्स प्याला, सबको पता है, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं वो कप होता है। अब बात करते हैं तस्तरी की। तस्तरी का इंग्लिश होता है प्लेट। प्लेट मीन्स तस्तरी। अब बात करते हैं तिजोरी। तिजोरी जिसमें हम लोग मनी को रखते हैं या फिर धन को इकट्ठे करते हैं उसी को बोलते हैं तिजोरी। तिजोरी का इंग्लिश होता है सेफ। सेफ मीन्स तिजोरी। बॉक्स, बॉक्स मतलब होता है बक्सा या फिर डब्बा बोल सकते हैं, डिब्बा बोल सकते हैं। लॉक मीन्स ताला, की मीन्स चाबी, सॉप मीन्स साबुन, ये सभी आप सभी को पता है। शैम्पू का मतलब होता है शैम्पू। अब बात करते हैं सीसी, जिस कांच का जो बोतल होता है उसको हम लोग सीसी सीसी बोलते हैं। और सीसी का इंग्लिश होता है फियल। क्या होता है? फियल, PHIAL, फियल। फियल मीन्स सीसी। तकिया, तकिया मतलब होता है, तकिया का इंग्लिश होता है पिल्लो। पिल्लो मीन्स तकिया। रस्सी का इंग्लिश होता है रोप। रोप मीन्स रस्सी। झूला, झूला का इंग्लिश होता है स्विंग। स्विंग, स्विंग मतलब झूला, आसानी से याद हो जाएगा झूला का स्विंग। मोढ़ा, मोढ़ा को बोलते हैं रीड चेयर। क्या बोलते हैं? रीड चेयर। मोढ़ा क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें नहीं पता इसका मोढ़ा का इंग्लिश, मोढ़ा किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं चादर की। चादर का एक तो होता है स्टॉल या फिर होता है बेडशीट, ठीक है। बेडशीट मतलब हो गया चादर। चम्मच का होता है स्पून। टोंग्स मतलब होता है चिमटा। बोतल मीन्स बोतल। बटवा का इंग्लिश होता है पर्स। वॉच मतलब घड़ी। क्लॉक मतलब दीवार की घड़ी। फनेल मीन्स होता है कीप। क्लॉक मतलब होता है दीवार की घड़ी। लालटेन मतलब होता है लालटेन। नाइटिंग स्टिक मतलब होता है सलाई। देखा
देखिए दोस्तों, यहाँ पे है नाइटिंग स्टिक, मैचिस बॉक्स नहीं है यहाँ पर। सिलाई के क्या होता है इंग्लिश? नाइटिंग स्टिक। स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे, KNITING, नाइटिंग स्टिक। वायर मीन्स तार, स्टूल मीन्स स्टूल, टेबल मीन्स होता है मेज। अब देखिए तवा, तवा का इंग्लिश होता है पैन, जिसमें हम लोग रोटी गर्म करते हैं, रोटी सेकते हैं, उसको बोलते हैं पैन। पैन मीन्स तवा। ढक्कन का इंग्लिश होता है लीड, लीड मतलब ढक्कन। पेन मीन्स कलम, पेंसिल मीन्स पेंसिल। बास्केट मीन्स टोकरी। स्ट्रिंग मतलब होता है रस्सी, अभी मैंने ऊपर बताया रॉप मतलब रस्सी होता है और स्ट्रिंग मतलब भी रस्सी होता है। अम्ब्रेला मीन्स छाता, अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है दोस्तों? छाता। बोलस्टर मतलब होता है मसनद, ब्रू मतलब क्या होता है? झाड़ू, जिसका कि हम लोग रोज सुबह शाम उपयोग करते हैं साफ सफाई करने में। सीव, SIEVE, सीव, सीव मतलब होता है चलनी, चलनी से क्या करते हैं हम लोग? चोकर निकालते हैं आटा से। वीक मतलब होता है बत्ती, बत्ती किसको बोलेंगे? जो लालटेन में जो जलता है उसी को बोलते हैं बत्ती, इसका इंग्लिश क्या होता है? वीक, WICK, वीक मतलब होता है बत्ती। स्टोव, स्टोव मतलब होता है चूल्हा, स्टोव मीन्स चूल्हा। सिलेंडर मीन्स सिलेंडर, बल्ब मीन्स बल्ब, कोट मीन्स चारपाई, कर्ड मीन्स दही, आयरन मीन्स स्त्री, क्या होता है? आयरन मीन्स स्त्री। टूथ पाउडर बोलते हैं दंत मंजन। लेडल मतलब होता है करछुल, करछुल तो समझ ही रहे हो, तड़का लगाने के काम आता है करछुल, ठीक है, इसको बोलते हैं लेडल। पेपर मीन्स कागज, विंडो मीन्स खिड़की, डोर मीन्स दरवाजा, पीचर मीन्स घड़ा, जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको बोलते हैं पीचर, जिसमें हम लोग पानी रखते हैं। सौसर मतलब भी तस्तरी होता है और प्लेट मतलब भी तस्तरी होता है। फॉर्क मतलब होता है कांटा। डाइनिंग टेबल खाने की मेज, जिस पर हम लोग खाना खाते हैं वो होता है डाइनिंग टेबल। स्पीटूम, स्पीटूम मतलब होता है पिकदान। केटल मतलब होता है केतली। पोछा, पोछा लगाना को बोलते हैं मॉप, पोछा को बोलते हैं MOP, मॉप, मॉप मतलब पोछा। बकेट मतलब बाल्टी होता है। टब मीन्स टब, ट्राइपॉड मतलब तिपाई। मैच बॉक्स मतलब माचिस या फिर दिया सलाई। मैंने दूसरा बताया था नाइटिंग करके कुछ बताया था आपको, नाइटिंग स्टिक मतलब होता है सलाई, इसको हम लोग सलाई बोलते हैं, वो नाइटिंग स्टिक होता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है माचिस, ठीक है, इसको बोलते हैं मैच बॉक्स, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली। ट्रंक मतलब होता है बड़ा संदूक। मॉस्किटो नेट का मतलब होता है मच्छरदानी। ऑयल मीन्स तेल, नट क्रैकर मतलब होता है सरौता। सुपारी का, सुपारी को जो काटने के काम आता है वो होता है सरौता, इसको हम लोग बोलते हैं नट क्रैकर। आस मतलब होता है राख, आस मतलब क्या होता है? राख। मैट मीन्स सटाई। टीपॉट मतलब होता है चायदानी। क्रेडल मतलब होता है पालना, जिस पर बच्चा झूला झूलता है उसका होता है पालना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडल। हर्थ मतलब होता है अंगीठी, जहाँ पर आग लगा के हम लोग सेकते हैं हाथ, वो होता है अंगीठी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्थ, हर्थ मीन्स अंगीठी। मिल्क पॉट मतलब होता है दूधदानी। मोटर मतलब होता है खरल या फिर ओखली को बोलते हैं मोटर। टूथपिक मतलब होता है दांत खोदने की तिल्ली। फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन मतलब होता है कढ़ाई। थ्रेड मीन्स होता है धागा। कॉब मीन्स कंघी या भी कंघा बोल सकते हैं। हेयर ऑयल मतलब होता है बालों का तेल। ग्लास तो ग्लास है। बेंगल मीन्स चूड़ी, स्टिक मीन्स छड़ी। किरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल। चकला, चकला वो बोलते हैं किसको? जिस पर हम लोग रोटी बनाते हैं, मतलब रोटी को जहां हम लोग बेलते हैं,
ठीक है, उसको बोलते हैं चकला। और चकला का इंग्लिश होता है पेस्ट्री बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड मीन्स चकला। पावदान, पावदान का मतलब होता है फुटमेट या फिर डोरमेट। एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। स्क्रू ड्राइवर मतलब होता है पेंचकस, स्क्रू ड्राइवर मीन्स पेंचकस। पेस्टल मतलब होता है मूसल, पेस्टल मीन्स मूसल। ओवन मीन्स तंदूर, जग मीन्स जव। पिंसर्स मतलब होता है संडसी। और हबल बबल मतलब होता है हुक्का, हबल बबल मतलब क्या होता है हुक्का। नीडल मीन्स सुई, सिकल मीन्स हंसिया। सेलिंग फैन छत वाला पंखा, टेबल फैन मेज वाला पंखा। कर्टन मीन्स पर्दा, पर्दा इंग्लिश का होता है कर्टन। ब्लैंकेट मीन्स कंबल, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। कसर मतलब होता है गद्दी, कसर मतलब कहता है गद्दी। कवर मीन्स गिलाफ, कवर मीन्स गिलाफ। सीट मीन्स चादर, टॉवल मीन्स तौलिया। होल्ड ऑल बिस्तर बंद। क्विल्ट मतलब रजाई होता है, क्विल्ट मीन्स रजाई। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज। आइस मीन्स बर्फ। कबर्ड, ये पे क्या लिखा हुआ है कबर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं कबर्ड, CUPBOARD कबर्ड, इसको कप बोर्ड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं कबर्ड। कबर्ड मतलब होता है दीवार में बनी अलमारी। कॉलड्रॉन, कॉलड्रॉन मतलब होता है कढ़ाई। जार मीन्स मर्तबान। अटैची। कॉबवेब मतलब होता है मकड़ी का जाला, कॉबवेब, क्या होता है इसका हिंदी, मकड़ी का जाला, कॉबवेब। चंडेलियर, चंडेलियर मतलब होता है फानुस। फ्लावर पेस मतलब होता है फूलदान। वार्ड्रोब मतलब होता है कपड़े टांगने की अलमारी, वार्ड्रोब का होता है। सॉप केस, सॉप का मतलब होता है साबुनदानी, जिस पर हम लोग साबुन रखते हैं। बैरल मतलब होता है पीपा, बैरल मीन्स पीपा। तो ये था हमारा घरेलू वस्तुओं के इंग्लिश में नाम। दोस्तों कैसा लगा ये वाला वीडियो, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।